आप सभी मित्रों को संध्याकालीन सादर नमस्ते। मेरी फ्रेंड्स में लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से और आप सभी का इस खूबसूरत डेलिया के साथ में अपनी छठ बगिया में स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। तो फ्रेंड्स, आज कुछ काम किया है वही आपके साथ में साझा करने वाली हूँ। तो सर्वप्रथम फ्रेंड्स देखिए, खूबसूरत से कोलियस कितने बेहतरीन रंग मेरी बगिया में। फ्रेंड्स, ये लॉन एरिया की एक छोटी सी क्लिप मैंने बनाई थी, तो वो भी आपसे साझा कर रही हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत। उसके साथ फ्रेंड्स ये है अल्टरनेंथ्रा का प्लांट, जो फ्रेंड्स मैं कटिंग के द्वारा मैंने इसे लगाया था। इसमें देखिए कितने नन्हे नन्हे से फूल इसमें आए हुए हैं। ये पीले रंग के पुष्प हैं, इसमें टिप पर ये नन्हे से फूल मुझे दूर से दिखाई दिए, तो मैंने इसकी छोटी सी क्लिप बना दी। तो फ्रेंड्स ये मैं कहीं पार्क से इसकी कटिंग ला करके मैंने इसे अपनी गार्डन में जगह दी थी, और अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये काफ़ी हाइटेड भी हो गया है, और देखिए इसमें पुष्प भी खिलने लगे हैं। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर ये कटिंग के द्वारा एक जेरेनियम मैंने लगाया था। फ्रेंड्स इसको नीचे से उठा करके मैं अभी परसों ही इसे यहाँ लेकर आई हूँ छत बगिया में। तो यहाँ पर आप देखिए कितने अच्छे से ये खिल रहा है, एक नन्हा सा पौधा है, तो बहुत ही खूबसूरत रंग गुलाबी। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें मैंने ये देखिए डेफिन बेकिया की एक छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी, ये भी बहुत अच्छे से चल पड़ी है। और ये कलांचियो भी, ये देसी वैरायटी है, लाल रंग का इसमें पुष्प आता है, तो ये भी अभी मैंने परसों ही लगाई है, बहुत अच्छे से ये चल गई हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना जिसे कहते हैं, ये मेरे एक मित्र ने मुझे दिया था फ्रेंड्स, और ये मैंने कटिंग लगा के रखी है, तो ये भी ग्रो हो जाएगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये एचिवेरिया है। तो फ्रेंड्स एचिवेरिया को भी मैंने कटिंग के द्वारा ही अपनी बागवानी में मैंने ऐड किया है। फ्रेंड्स ये मेरी सिस्टर ने मुझे कटिंग दी थी, उसके द्वारा मैंने इसे तैयार किया है। देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने टिप से काट कर मैंने स्वैप में किसी को भेजा था, उसके बाद से फ्रेंड्स टिप से काट कर मैंने उसे भेजा, तो उसके बाद से यहाँ पर इतने सारे ये एचिवेरिया के बेबी प्लांट्स इसने प्रोड्यूस किए हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से काफ़ी सारे प्लांट्स, ये देखिए कितने अच्छे से ये काफ़ी सारे प्लांट्स एक साथ इस तरह से निकल आए हैं। तो ये खूबसूरत एचिवेरिया एक सकुलेंट है। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा एक डेफिन बिकिया का ये प्लांट है, ये मैं अपनी ग्राउंड जो गार्डन है वहाँ पर मैं ग्राउंड एरिया में आ गई हूँ। तो ये फ्रेंड्स मेरा एक डेफिन बेकिए का प्लांट है, और ये मैंने कटिंग के द्वारा, ये राइट साइड वाला मैंने कटिंग के द्वारा, हालांकि ये सभी मैंने कटिंग के द्वारा तैयार किए हैं, तो मैं सोच रही हूँ ये जो राइट वाला है ये देखिए ये कितना खूबसूरत, इसमें ये देखिए वेरिएशन कितना खूबसूरत, डार्क ग्रीन में जो वाइट कलर की जो डॉट्स हैं एक अलग ही खूबसूरती है इसके। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक ये देखिए क्रोटन की एक ये वैरायटी है, ये एक लंबी पत्ती वाला क्रोटन है, ये देखिए गोल्डन डस्ट इसमें ग्रीन लीफ में बनी हुई होती है। तो ये देखिए मैं सोच रही हूँ, ये भी फ्रेंड्स मैंने क्रोटन कटिंग से तैयार किया है, और आप देखिए ये डेफिन बेकिया में कितनी बेहतरीन इसमें रूट्स, देखिए ये भी फ्रेंड्स मैंने ये एक छोटे से स्टेम के द्वारा मैंने इसे रेडी किया है। तो मैं सोच रही हूँ इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए और इसे इंडोर में रखना चाहती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ ये इसको निकाल करके मैं इसमें लगा देती हूँ, और इसको मैं फिर इंडोर रखने वाली हूँ, क्योंकि एक इंडोर प्लांट है डेफिन बेकिया, और एक अलग ही खूबसूरती ये देता है। फ्रेंड्स होम डेकोर के लिए भी इसे यूज किया जाता है एज अ इंडोर प्लांट। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही खूबसूरत पौधा है। मेरे पास डेफिन बेकिया की दो वैरायटीज़ हैं, एक वैरायटी मैंने ऑलरेडी इंडोर में मैंने लगा कर रखी हुई है, वो भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो फ्रेंड्स इंडोर में थोड़ा सा ये लेट ग्रो करता है, थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग ये चलता है, तो ये ज़्यादा धूप वाला पौधा नहीं है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया है, हल्के हाथ से इसे मैं ये मिट्टी को थोड़ा बैठा रही हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स इसे वाटरिंग करके मैं अंदर रख दूँगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से, तो फ्रेंड्स इसको हम खाद में, फ्रेंड्स हम कंपोस्ट भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी खाद इसके लिए होती है, क्योंकि फ्रेंड्स नाइट्रोजन का सोर्स है,
तो इसको तो पत्तों की खूबसूरती ही फूल बोल तो इसमें नहीं है, लेकिन पत्तों की खूबसूरती के लिए वर्मी कंपोस्ट बेटर है इसके लिए, ये देखिए। और समय समय पर इसकी पत्तियों में भी हमें पानी का स्प्रे करते रहना चाहिए। और इसमें फ्रेंड्स, अगर हम इंडोर इसे ग्रो कर रहे हैं तो इसको देख करके हम पानी दें, अन्यथा फ्रेंड्स ये नीचे से गलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप चेक करके ही इसे पानी दें। फ्रेंड्स इंडोर में तो बहुत अत्यधिक पानी हमें हर रोज भी नहीं इसे देना चाहिए, चेक करके ही इसे देना चाहिए। फ्रेंड्स मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जितने प्लांट्स फ्रेंड्स मेरे इंडोर में रखे हुए हैं उनको पानी में बहुत समय बाद देती हूँ। और पानी देने का उसका तरीका भी मेरा भिन्न है फ्रेंड्स, कोई बड़े टब में मैं पानी भर कर उसके बाद उस प्लांटर को मैं उसके ऊपर रख लेती हूँ ताकि नीचे से उसका पानी वो एब्जॉर्ब करते रहें। एक दिन पूरी रात मैं उसे उसी टब में रख के नेक्स्ट डे फिर उसको थोड़ा सा उसे ये सिंक में रखने के बाद फिर वो पानी जो है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा, उसके बाद मैं उसे फिर कमरे में रखती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एलोकेशिया के ये दो प्लांट। फ्रेंड्स पिछले वर्ष मैं 350 रुपये का ये एलोकेशिया लेकर आई थी, लेकिन फ्रेंड्स मैं कहीं जब गई थी तो उस बीच में ये एलोकेशिया का मुझे बिल्कुल इसका पता नहीं चला, ये बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, तो उस प्लांटर में मैंने कुछ और लगा दिया। ये अब मुझे इसकी पत्ती ये दिखी है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स आज मैंने ये जो मेरे पास घड़ा है इसमें फ्रेंड्स मैंने कंपोस्ट बनने के लिए रखी थी किचन वेस्ट से, और उसके साथ ही मैंने गार्डन की जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं उसको भी इसी में बना करके मैंने रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स नीचे मेरे लगभग आधे से ज़्यादा इसमें वही सब मेरा है। उसके बाद फ्रेंड्स ऊपर से मैंने मिट्टी डाली है, उसके साथ मैंने इसमें टमाटर के प्लांट लगा दिए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी मिट्टी भी कम यूज़ होती है और किचन वेस्ट का बेहतरीन इस्तेमाल भी हो जाता है, और हमारा पौधा भी इसमें बहुत अच्छे से बढ़त करता है क्योंकि नीचे से उसे सारी जो खाद है वो अच्छे से मिलती रहती है। और किचन वेस्ट में तो सारी पोषक तत्व होते ही हैं क्योंकि हम एक चीज़ ही हम नहीं खाते हैं किचन में, तो हमारी सभी सब्जियां हो गई, फ्रूट हो गए, चाय की पत्ती हो गई, तो वो सभी कुछ मैं इन सभी कंटेनर्स में डाल के उसके ऊपर मिट्टी भर के फिर मैं कोई प्लांट लगाती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये शिमला मिर्च है, उसके साथ ही यहाँ पर मैंने ये गोभी की ये मैं सैपलिंग्स लेकर आई थी वो मैंने लगाई है, ये देखिए। और उसके साथ ही फ्रेंड्स एक जो मेरा ये वाटर टैंक है इसमें मैंने लगाई है करेले की कुछ बेलें। तो फ्रेंड्स ये करेले की बेलें मैंने आप सभी के साथ इसकी सीडलिंग्स मैंने की थी, और उसके बाद देखिए इतने अच्छे से इनकी ग्रोथ हुई है, तो उनको निकाल करके मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो जैसे जैसे इनमें बढ़त होगी आप सभी के साथ में साझा करती रहूँगी। लगभग यहाँ पर 4 से 5 से 6 प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये सलाद पत्ता, इसको भी मैंने लगाया है इस बार, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। तो इस तरह से आज फ्रेंड्स मैंने ये सभी काम किए हैं। एक नई शेयरिंग के साथ आपसे पुनः मैं मिलती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।